श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए अनेक प्रकार की ऐसी आविष्कारक साधनाएं लाते रहते हैं जिनसे आप अपनी हर प्रकार की मनोकामना को पूरा कर सकें। आज उसी श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी साधना जिससे आप जो वर मांगना चाहें वही वर मांग सकते हैं। माँ दुर्गा ऐसी मैया हैं, ऐसी माँ हैं जो पूरे संसार की जगत जननी हैं और अपने बच्चों के उद्धार के लिए वो समय समय पर अनेक साधकों के द्वारा, भक्तों के द्वारा ऐसी साधनाएं लाती रहती हैं, ऐसी साधनाएं प्रकाशित करती रहती हैं जिनसे भक्तों के दिल में ऐसा प्रकाश उत्पन्न होता है कि वो अन्य भक्तों को भी पुण्य प्रदान करने के लिए माँ तक पहुँचने के रास्ते उन्हें भी संसार में बांटने होते हैं और वो उसे बांटते हैं। इसी प्रकार से हमारे हाथ लगी है एक ऐसी साधना जिससे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य अर्जित कर सकते हैं, भगवती माँ से, दुर्गा से, वैष्णवी से अपनी मनोरथ, अपनी कामना पूरा करवा सकते हैं। तो इस श्रृंखला में जो हम आपको आज साधना लेकर आए हैं बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर, जो ऐसी जानकारियाँ आपके लिए लाता रहता है, इसे यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हमारा उत्साह इससे बढ़ता है। हम आपके लिए ऐसी और भी साधनाएं ढूंढने की कोशिश करते हैं, अनेक साधकों से मिलते हैं, संत महात्माओं से मिलते हैं और आपके लिए ऐसी साधनाएं ढूंढ कर लाते हैं जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य आपको प्रदान करे और आपका मनोरथ कम समय में प्राप्त आप कर सकें। क्योंकि सतयुग के ज़माने में तो हजारों साल तक तपस्या करने से जो पुण्य मिलता था, जो इच्छाएं पूरी होती थी, तो वो इस कलयुग के ज़माने में थोड़े से ही मंत्र जाप से आपको प्राप्त हो जाती हैं। तो हम आपके लिए बता रहे हैं दुर्गा माँ, वैष्णवी माँ, शेरों वाली माँ, लाटा वाली माँ, पहाड़ों वाली माँ, मेहरा वाली माँ कैसे मेहर बरसाती हैं, आपकी इच्छाओं को, अपने बेटे की, बेटियों की इच्छा को कैसे माँ पूरा करती हैं, वो साधना हम आपके लिए लेकर आए हैं। यह एक ऐसी मानसिक साधना है जिस मानसिक साधना से आपकी विशेष पूरी होंगी, परंतु इस साधना में आपको एकाग्रता जरूर करनी होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं जब आपकी सच्ची एकाग्रता, सच्ची लगन लगती है तो हर देवी देवता तक आपकी वो वाइब्रेशंस, वो जो मंत्र जाप आप करते हैं, वो जो आप अपने दिमाग से वेव्स के द्वारा उस देवता से जुड़ते हैं, तो वो जो जुड़ाव है वो उन्हें खींचकर आप तक लेकर आता है, उनकी कृपा को आप तक आने के लिए विवश कर देता है, उन्हें इतना मजबूर बना देता है देवी देवताओं को आशीर्वाद देने के लिए। आपका वो प्रेम, आपकी वो साधना, आपका वो जाप, आपका वो हवन, आपकी वो विधियाँ, जिनसे चाहे वो भजन के रूप में करें आप, सुमिरन के रूप में करें आप, या किसी भी प्रकार से हवन करते हुए भी आपको भगवान के ऐसे अनेक संकेत मिल जाते हैं। पूजा के पुष्प जब आप चढ़ाते हो तो पुष्प से भी माँ प्रसन्न हुई या नहीं हुई, आपका इष्ट देव प्रसन्न हुआ है या नहीं हुआ है, यह आपको तुरंत पता लग जाता है। क्योंकि इस प्रकार की साधनाएं करते समय जब आप ये जानना चाहते हैं कि जो मैं साधना कर रहा हूँ वो मेरे इष्ट देव तक, मेरे भगवान तक पहुँच रही है या नहीं, तो वो अपने संकेत देते हैं, जैसे कभी फूल को गिरा देते हैं, कभी माला ही गिर जाती है मंदिर में। जब आप साधना करने बैठे हुए होते हैं तो समझ लें कि आपके इष्ट देव आप पर प्रसन्न हो गए हैं। कभी ज्योत में ध्यान से देखना, ज्योत के अंदर भी आकृति जो बनती है, वो आकृति कई बार आपको आपके इष्ट देव का ही ध्यान आकर्षित करने के लिए, आपको बताने के लिए ही, उनके आशीर्वाद को आप तक पहुँचाया जा रहा है ये दिखाने के लिए ज्योत में कई प्रकार से फूल बन जाते हैं। कोई एक दल का फूल बनता है, कोई दो दल का, कोई तीन दल का, कोई चार पंखुड़ियों वाला और कोई मल्टी लिंगल, जिसे आप अनेक पंखुड़ियों का फूल कहते हैं। ज्योत में अनेक प्रकार की आपको संकेत दिए जाते हैं। कभी आप जब ध्यान में बैठे होते हैं तो किसी देवी देवता के दर्शन हो जाते हैं। आपको अनेक प्रकार के ऐसे संकेत आपके इष्ट देव की ओर से, माँ की तरफ से, हनुमान जी की तरफ से, या विष्णु भगवान की ओर से, भोलेनाथ की ओर से ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। परंतु यदि आप ध्यान से अपनी साधनाओं में
ये संकेत प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा ध्यान करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, तो आपको जरूर भगवान ने ऐसे संकेत दिए होंगे जिससे आपके घर में कोई ना कोई अच्छा काम हो गया होगा, कोई व्यक्ति बीमार होगा तो वो ठीक हो गया होगा, या आपके घर में कोई खुशखबरी ऐसी आई होगी आपकी साधना के समय, तो वही संकेत होते हैं जिनसे आपको पता चलता है कि आपके घर में भगवान इष्ट देव की कृपा बरस रही है। तो हम आपको एक ऐसी साधना बता रहे हैं जिससे आपको अपने मनोकामना, चाहे आपकी कोई भी मनोकामना है जो सकारात्मक हो, नेगेटिव ना हो, तो वो जरूर से जरूर पूरी होगी। आप अपने घर में जहाँ पर भी आप पूजा करते हैं वहाँ पर अपने देवी देवता इष्ट देवता की मूर्ति स्थापित करते हैं, वहाँ पर नहा धोकर जब आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर बैठते हैं, धूप दीप लगाते हैं, नवेद चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, तो उसके बाद आप अपना जाप करते हैं और हवन के लिए तैयारियां करते हैं। जब आप हवन में आहुति डालते हैं उस समय जो हवन की लपट ऊपर की ओर उठ रही होती हैं, उस हवन की लपटों में आप मानसिक रूप से अपने एकाग्र दृष्टि करके उन लपटों में अपने इष्ट देव को देखिए, वो आकृति आप मन से मानसिक तौर पर उसमें बनाइए, तो देखिए कि 5 मिनट में या 10 मिनट में वो लपटों के अंदर आपको वो आकृति दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। जब आप इस प्रकार से कुछ दिनों तक करते हैं तो स्वयं जब आप अपने आप ही नहीं सोच रहे होंगे, सिर्फ आप उस आकृतियों को उस लपटों में देखेंगे तो अपने आप ही वो आकृतियां वहां पर बननी शुरू हो जाएंगी। जो आपके मन एक कल्प वृक्ष मानसिक तौर पर जो आपने इतने दिनों से जाप किया, जो आप इतने दिनों से उस हवन की लपटों में आकृति बना रहे थे अपने इष्ट देव की, वो आपको दिखाई देनी स्वतः ही शुरू हो जाएगी। और जब ऐसा होना शुरू हो जाता है, चाहे उसमें आपके 7 दिन लगते हैं, 11 दिन लगते हैं, 21 दिन लगते हैं या 41 दिन, तो उस समय ये आप समझ लें कि आप पर आपके इष्ट देव प्रसन्न हो गए हैं। जैसे मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूँ कि उन लपटों में मैंने दुर्गा माँ का जो ध्यान किया था, मुझे वो आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई दी। तो उस समय मैंने अपनी मनोकामना माँ को सुनाई, माँ ने उस मनोकामना को कुछ ही समय में पूरा किया था। और हम ये आशा करते हैं, माँ से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो आपकी भी हर प्रकार से सहायता करते हुए मनोकामनाओं को पूरा करेंगी। आप अपने इष्ट रूप में हनुमान जी को या शिव जी को या विष्णु भगवान को, ब्रह्मा जी को, सरस्वती माँ को या किसी भी इष्ट देव को जिसको आप मानते हैं या जो आपके कुल देवता हैं, उन्हें यदि आप पूज्य मान रहे हैं, उनकी आकृति को यदि आप अपने मानसिक तौर पर उस हवन की लपटों में बना रहे हैं, तो वो आपको हर प्रकार से सहायक होगी। यदि आप उसे देखेंगे तो उसमें वो आकृति उभरनी शुरू हो जाएंगी। जैसे ही वो आकृतियाँ आती हैं और आप अपनी मनोरथ उन्हें सुनाते हैं, तो उन्हीं के आशीर्वाद रूप से, आपके पूज्य देव के आशीर्वाद रूप से आपकी वो मनोकामनाएं पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। इसमें आपको हम बताना चाहेंगे कि थोड़े समय की ही साधना ही आपको हर प्रकार के मनोरथ को पूरा करवाने में सक्षम होती है, क्योंकि कलयुग के अंदर कलयुग है, थोड़ा सा भी भगवान का ध्यान, आपके इष्ट देव का ध्यान, आपके कुल देवता का ध्यान आपको इतना सक्षम, इतना विल पावर से मजबूत बना देता है कि वो आपके मनोरथ पूरे होने लग जाते हैं। परंतु जब कभी भी आप साधना में बैठे हों, जब कभी आपके मन में गलत विचार नहीं आने चाहिए, उस समय सिर्फ आप एकाग्रचित होकर अपनी साधना में ही ध्यान दें। यदि उस समय आपने किसी और विचारों के अंदर उलझ गए तो आपकी साधना खंडित हो जाती है और जिससे आपको और लंबा समय लग सकता है। इसलिए जब कभी भी आप ये साधना करें तो ये निश्चित कर लें कि आपके आसपास कोई भी आपको डिस्टर्ब करने वाला, आपको आपकी साधना से विचलित करने वाला व्यक्ति या बच्चा या कोई भी व्यक्ति वहाँ ना हो। आप अपना समय और स्थान और अपना कमरा ऐसा चुनें जिसमें आपकी साधना में विघ्न डालने वाला कोई भी आपको विचलित ना कर सके, आपकी साधना को भंग ना कर सके। इसलिए आपको एकाग्रता सबसे पहले जरूरी है, और एकाग्रता के लिए आप ध्यान में अपने नाक की अगले टिप पर दोनों आंखों से ऐसे देखते हुए
जब आप एकाग्र होना शुरू होंगे तब आपको और भी ज्यादा सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से हम बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर ऐसी अनेक ध्यान और साधना संबंधी अनेक युक्तियां लाते रहते हैं जो बहुत सरल होती हैं, जिनमें आपको किसी भी पंडित पुजारी के पास नहीं जाना, किसी भी बाबा के पास नहीं जाना है। आप घर बैठे ही अपने इष्ट देव और अपने कुल देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। घर में जब कभी भी कोई संकट आता है तो उसका अर्थ ही ये होता है कि आपके घर में आपके इष्ट देव, आपके कुल देवी या आपके कुल देवता या आपके जो भी आप पूजनीय देव मानते हैं वो रुष्ट हैं। तभी आपके घर में ऐसे संकट, रोग, दोष, क्लेश, धन हानि के योग बनते हैं। यदि आप उन सभी को हटाना चाहते हैं तो आप अपने घर में अपने इष्ट देव को, कुल देवता को सक्षम करिए, उन्हें पोषक करिए और उन्हें भोग दीजिए और उन्हें हवन पूजा पाठ के माध्यम से अपना जो भी उन्हें नाम लेकर के हवन में खिलाएंगे वो उन तक जरूर पहुंचेगा, ये हम आपको गारंटी से बोलते हैं। और जैसे ही उन देवी देवताओं तक ये भोग पहुंचता है तो आपको वो सारे आशीर्वाद प्राप्त हो जाते हैं जो आपके देवी देवता आपको देना चाहते हैं और जो मनोकामना आप पूरी करवाना चाहते हैं। आप किसी भी पंडित पुजारी या किसी ऐसे व्यक्ति के लोभ लालच में मत पड़िए कि हमें तो टाइम नहीं है, हम किसी और से करवा लेते हैं। तो उसमें क्या पता वो कितने मन से कर रहे हैं या क्या पता वो कर भी रहे हैं या सिर्फ आपको ऐसे ही बोल दिया है। तो यदि आप अपने आप करने में सक्षम हैं तो आप अपने आप ही ऐसे पूजा हवन या उपासना साधनाएं पद्धतियां कीजिए, क्योंकि इससे आपको 101% गारंटी के साथ लाभ जरूर होगा। और आप एकाग्र मन से यदि अपनी मनोकामनाएं अपने इष्ट देव को सुनाएंगे तो वो जरूर सुनेंगे और आपके द्वारा जो प्रसाद उन्होंने हवन में ग्रहण किया है उसके आशीर्वाद रूप वो आपके संकटों को धीरे धीरे हर लेंगे। इस प्रकार की अनेक जानकारियां बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर हम लाते रहते हैं। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन में ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाइए ताकि आपको वो सारी आने वाली साधनाएं, सरल विधियां, अचूक उपाय ऐसे मिल सकें जो आपकी समस्याओं को दूर कर देंगे। आपका जीवन अन्न धन से और समस्याओं से अन्न धन से भर जाएगा और समस्याएं दूर हो जाएंगी, हर प्रकार के कष्ट आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। जय श्री राम मित्रों।